अभी का वक्त डिटेक्टिव चिम्प जो मल्टीवर्स के मैप के साथ कुछ म्यूजिकल नोट्स को स्टडी कर रहा था और क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ अपने डबोते दिमाग से वो सोच रहा था अपनी ओरिजिन स्टोरी, जहाँ पर वो याद करता है कि फ्रेड के जरिए बचाए जाने के बाद जब फ्रेड का कत्ल हुआ तो वो वहाँ से भाग गया और उसे एक दोस्त मिला और उसे बचाया गया वर्जिल के जरिए, जिसने उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ था और वो चिम के इमोर्टेलिटी की वजह बना। साथ ही साथ उसने उसके सारे घाव भी भर दिए और चिम को एक ऐसा इंटेलेक्ट प्रोवाइड किया जिस वजह से वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल केस का भी सिंपल सॉल्यूशन और क्लूज के जरिए हल ढूंढ सके। और सबसे पहले उसने अपने दोस्त फ्रेड के कत्ल का बदला उन तीन लोगों से लिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क मल्टीवर्स में नाइटमेयर बैटमैन के साथ बार्बाटॉस एक इविल म्यूजिक सुन रहा था और ये कहानी यहीं से शुरू होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक हॉक आइसलैंड में अभी के वक्त में, जहाँ पर चिम म्यूजिक नोट्स के जरिए रेड टोर्नेडो से वो जानकारी हासिल करना चाहता था जो उस मुसीबत से उन सबको बाहर निकाल सके। और इसी दरमियान दूसरी जगह पर रेवन, फ्लैश और साइबॉर्ग अल्टीमा थूल के जरिए मल्टीवर्स में एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे जो कि सारी मुसीबत से उन्हें बाहर निकाल सके। और तब हम देखते हैं कि वो थे अल्टीमा थूल में द मल्टीवर्स ब्लीड पर, जहाँ पर रेवन अपनी ताकत के जरिए उस अल्टीमा थूल को कंट्रोल करके कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तब हम देखते हैं बैटमैन हु लास्ट अपनी शिप के साथ उन पर हमला बोल रहा था और मिसाइल्स फायर करते हुए वो उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और उस मिसाइल्स में डार्क मल्टीवर्स की डार्क एनर्जी भरी हुई थी। और तब हम देखते हैं मर्सीलेस को जो उस शिप के इंजन को यानी के एक केज्ड बेबी यूनिवर्स को चला रहा था और उसकी पावर से वो शिप बहुत ही तेजी से और बहुत ही फास्टली आगे बढ़ रही थी। बाकी के नाइटमेयर बैटमैन प्लान करते हैं उस अल्टीमा थूल में जाकर उन सभी को मारने की और मल्टीवर्स ब्लीड पर वो सारे ही अल्टीमा थूल पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ पर डाउनब्रेकर आता है रेवन को मारने के लिए और वो ब्लैकआउट इनिशिएट करके कुछ ऐसे क्रिएचर्स डेवलप करता है जो कि अंधेरे से बने थे और वहाँ पर उसका साथ दे रही थी बैटमैन ड्रॉन। लेकिन वो यही भूल गया था कि रेवन हेल की बेटी है और वो उन सभी अंधेरे के क्रिएचर्स को अपने कब्जे में करके उन दोनों के ऊपर छोड़ देती है। यहाँ पर साइबॉर्ग के लिए मर्डर मशीन से निपटना इतना आसान नहीं था, वो कुछ हद तक उस पर भारी तो पड़ रहा था लेकिन फिर भी वो बैटमैन होने की वजह से साइबॉर्ग उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और यहाँ पर दोनों की आस टिकी हुई थी फ्लैश पर जो कि उस शिप के इंजन में जाकर मर्सिडीज के सामने से उस केज्ड बेबी यूनिवर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है और कहता है तुम्हारा समय अब आ चुका है, अब कुछ ब्लिंक होने वाला है। और तभी वो बुलाता है रेड डेथ को और रेड डेथ पीछे से आकर बैरी एलन को पकड़ लेता है लेकिन बैरी एलन कहता है तुम भी लेट हो। और तभी उस केज्ड बेबी यूनिवर्स में एक धमाका होता है और रेड डेथ के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो कहता है मैं बैरी हूँ, बैरी एलन, ब्रूस अब जा चुका है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ। जिस पर वो कहता है तुम्हारे ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी गिरी है उस वजह से तुम्हारे अंदर की डार्क साइड चली गई है और अब तुम हम में से एक बन चुके हो। और तब वो पूछता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो कहता है हम अभी इन्फिनिटी पर खड़े हैं और हम जो भी कर सकते हैं वो हमें हीरो बनाएगा, लेकिन हमें जो करना है वो अभी यहाँ से शुरू करना होगा। और वो दोनों ही मर्सिलेस को पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मर्डर मशीन और साइबॉर्ग एक दूसरे से लड़ रहे थे और साइबॉर्ग रेवन से कह रहा था कि अल्टीमेट थूल हिट हो रहा है, रेवन तुम्हें कुछ करना होगा। और जैसे ही वो मल्टीवर्स में गिर रहे हैं वैसे ही वो अपनी डार्क एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं जिस वजह से सारे हीरोज विलन बनते जा रहे हैं और उनके नाइटमेयर्स पैदा होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉनब्रेकर ने अपने क्रिएचर्स पर कंट्रोल पा लिया था और वो रेवन पर भारी पड़ने लगा था लेकिन तभी मर्डर मशीन को हरा कर साइबॉर्ग उसकी तरफ बढ़ता है और वो भी डोर से मर्डर मशीन के साथ डाउनब्रेकर को अल्टीमा थूल से बाहर फेंक देता है। और यहाँ रेड डेथ के अंदर बसा बैरी एलन डेविसेटर से फ्लैश को बचाने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाता है। और तब ये सब देखकर बैटमैन हु लाफ्स कहता है मुझे पता था ऐसा होगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ आधा बैटमैन था और इसी वजह से तुम्हें भी सिर्फ आधा प्लान ही पता था। तुम्हें पता है कि वो केज्ड बेबी यूनिवर्स डार्क मल्टीवर्स का था, इसका मतलब तुम जानते हो कि डार्क एनर्जी अब भी तुम्हें है और इसी बात का फायदा उठाकर वो रेड डेथ को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्टीमा थूल में अभी भी कुछ रीडिंग्स मिल रही थी जिसका मतलब था कि होप अभी भी जिंदा है। वहाँ पर ब्लैक ऑफ आइसलैंड में डिटेक्टिव चिम्प को सभी लोग डम समझने लगे थे क्योंकि वो अपने दिमाग के साथ धीरे धीरे एक चिम्प में कन्वर्ट होने लगा था। लेकिन जाते हुए उसे एक नोट मिलता है जो कि साइबॉर्ग ने ओल्ड नोट्स के जरिए तैयार किया था
और तब वो समझ जाता है कि हमें सिर्फ रेड टोर्नेडो को एक्टिवेट करना है और वो ऐसा ही करता है। और जब वो रेड टोर्नेडो को एक्टिवेट करता है तब वो पहले सब तरफ तबाही मचाने लगता है, लेकिन जब वो थक जाता है तब वो बताता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वो कहता है जब हम हाउस ऑफ हीरोज पर गए तब हमने गलती से वो डोर ओपन कर दिया जो कि बारबाडोस को हमारे यूनिवर्स में लाना चाहता था, इसीलिए हम वापस आना चाहते थे। हाउस ऑफ हीरोज सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था हमें वहां तक ले जाने के लिए, इसीलिए हम वापस घर पर आ गए। और साथ ही साथ वो कह रहा था जो वर्ल्ड अभी मैंने कहे उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टेरर। दूसरी तरफ हम देखते हैं अल्टीमा थोर में रेवन, साइबॉर्ग और फ्लैश तीनों ही देख रहे थे कि हाउस ऑफ हीरोज अब नहीं रहा, और वो कह रहे थे जो मिसाइल्स वो अल्टीमा थोर पर फायर कर रहे थे वो हम पर नहीं बल्कि हाउस ऑफ हीरोज पर फायर कर रहे थे। और तब वो देखते हैं कि हाउस ऑफ हीरोज अब रहा ही नहीं, वो उस मिसाइल्स की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। दूसरी तरफ ब्लैक हॉक आइसलैंड पर सभी लोग इस चिंता में थे कि अब क्या होने वाला है, और सबको ये लग रहा था कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है। लेकिन तभी डिटेक्टिव चिम के सर में कुछ हलचल होती है और वो देखता है अपने सर में कि वहाँ पर सारे हाउस ऑफ हीरोज के हीरोज जो कि आदमी नहीं बल्कि बोबो की तरह थे, वो कह रहे थे हम तुम्हें कई सालों से वॉच कर रहे थे और इमोर्टिलिटी जो कि तुम्हारा रिवॉर्ड है उस वजह से हम हीरोज यहाँ पर तैयार हो पाए। हम 53rd वर्ल्ड से है जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा कोई और जानकारी है क्योंकि मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।